सन 1968 में आज ही के दिन ब्रिटेन में पहला हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था। लंदन के नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में 18 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सर्जन डोनाल्ड रॉस ने किया था और इस ऑपरेशन में 7 घंटे से ज्यादा समय लगा था। सन 1969 में आज एक दिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। केवल 23 साल की उम्र में जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने। वर्ष 1963 में जाकिर हुसैन को भारत रत्न और वर्ष 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। सन 1981 में आज एक दिन बॉलीवुड की महान अभिनेत्री फातिमा रशीद उर्फ नरगिस दत्त का निधन हुआ था। वर्ष 1935 में 6 वर्ष की उम्र में नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म तलाशी हक से की थी। लगभग 2 दशक के लंबे फिल्मी सफर में नरगिस ने दर्जनों यादगार एवं संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। सन 1958 में नरगिस को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। सन 2005 में आज ही के दिन भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ था। जगजीत सिंह ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में करारी मात देकर बांग्लादेश नाम के नए देश को विश्व के मानचित्र में स्थापित किया था। इन्हें वर्ष 1972 में पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था। और आज एक दिन सन 2008 में पाकिस्तानी जेल में सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की फांसी की सजा अनिश्चित समय तक टाल दी गई थी। वर्ष 1990 में सरबजीत अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे और पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाके का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था।